अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, माझे सहकारी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, मंगलप्रसाद लोढा जी, आमचे मुख्य सचिव सोनिक जी, सर्व अधिकारी, सर्व मान्यवर, सर्व मंत्रीगण आणि व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला जोडलेले लाखो नागरिक बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, सबसे पहले मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से महाराष्ट्र की जनता की ओर से स्वागत करता हूं। उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज हम राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले ही रखी थी। मुझे याद है मोदी जी ने तब कहा था, स्किल डेवलपमेंट ये पेट भरने का या जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, गरीब परिवार में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का यह प्रयास है। स्किल इंडिया मिशन में अब तक 5,70,00,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं, बेरोजगारी मिट रही है, देश के विकास में तेजी आई है। देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज पिछले 6 साल में सबसे कम हुआ है। यह सिर्फ माननीय और हमारे आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण है, उनकी मेहनत के कारण है और उनकी वजह से यह संभव हुआ है। और निश्चित रूप से इसलिए जब राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों के लोकार्पण की बात आई तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ आदरणीय हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ही हमारे सामने आया और उनके व्यस्त समय में हम सब लोगों ने उन्हें यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आप आइए और उन्होंने इस कार्यक्रम का नियुक्ता स्वीकार किया। इसलिए मैं फिर एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है। हमारा सामर्थ्य है युवा शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह सदी भारत की होगी, क्योंकि आज भारत जितनी युवा शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है, ये वास्तवता है। आज सही मायने में मोदी जी देश के युवाओं के नेता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हमारी युवा शक्ति को देश के सबसे प्रीशियस रिसोर्स के तौर पर जाना नहीं, उन पर ध्यान भी नहीं दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी भी नहीं किया गया। हम अपने युवाओं को कौशल्य और शिक्षा के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गत 9 सालों में देश में 5,000 नए ITI शुरू हुए हैं, जिसमें 4,00,000 से अधिक नई सीटें हैं। PM विश्वकर्मा जैसी क्रांतिकारी योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो विश्वकर्माओं को ट्रेडिशनल और स्किल से मॉडर्न टेक्निक को जोड़ेगी। और मैं ये भी कहूंगा, अपना अर्थसंकल्प जो होता पहलाच अर्थसंकल्पामध्ये पहले अर्थसंकल्प में हमारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होने वाला स्थलांतर कम करने के लिए गांव-गांव रोजगार व स्वयं रोजगार बढ़ना चाहिए, ऐसी कौशल्य विकास सेंटर शुरू होने चाहिए, ऐसा मानस उनके बजट स्पीच में उन्होंने किया था। और इसलिए मैं और इसका
बहुत ही पहल हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया, ये 511 केंद्र यहाँ होने चाहिए, और इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही इसमें मेहनत की है। और इसमें हर केंद्र से 100, हर साल लगभग 50,000 कुशल जो हमारे युवा है उनकी फौज इसमें तैयार हो जाएगी। सबसे महत्व की बात कि ग्रामीण भाग में, ग्रामीण इलाकों में, अति दुर्गम विभाग में युवा और युवती स्किल डेवलपमेंट उनका हो जाएगा। इसमें 30% युवती मतलब महिलाएं का भी सहभाग होगा। और हम लोग हमेशा कहते हैं मराठी में, बेरोजगाराची फौज पण ही आमची खऱ्या अर्थाने आता यापुढे कुशल तरुणांची फौज निर्माण होईल स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून। आणि उद्याच्या महाराष्ट्रामध्ये हे सन्मानाने नोकरी आणि व्यवसाय करतील आणि गावाच्या प्रगतीला, शहराच्या प्रगतीला, देशाच्या प्रगतीला हातभार लावतील। हमारी सरकार आने के बाद हम कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सरकारी ITI स्टूडेंट को केवल 40 रुपए स्टाइपेंड मिलता था, हमारी सरकार ने उसे 500 रुपए कर दिए। 12वीं कक्षा के 15,000 छात्रों के रोजगार और शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ MOU भी किया है। स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। राज्य में ITI में 75 वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किए गए। मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति के माध्यम से 12,000 से अधिक नए उद्यमियों को लोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सारथी के माध्यम से 27,000 से अधिक विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का काम भी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने 290 ऑनलाइन ऑफलाइन रोजगार जॉब फेयर का भी आयोजन किया, उसमें लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार मिला। और इसमें लगभग हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 1,50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट भी किया है। इससे 1,50,000 से ज्यादा रोजगार भी निर्माण हो गए। इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, दुर्गम अति दुर्गम जैसे गढ़चिरौली इलाका जो नक्सलवाद इलाका है उसमें भी ये कारोबार शुरू हुआ है और उसमें लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। और आगे जो नया उद्योग शुरू होगा उसमें और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी हमारी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अजीत दादा ने अभी कहा कि आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है, क्योंकि ये सरकार ये सर्वसामान्य लोगों की सरकार है। ये हर सेक्टर के वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करने वाली सरकार है। और इसके लिए इस का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रमोद महाजन, ये इनकी दूरदृष्टि, आधुनिक तंत्रज्ञान जो उन्होंने हमेशा उसको आगे बढ़ाया, उनके नाम से होने वाली ये जो 511 सेंटर है, मैं इसमें इतना ही कहूंगा मराठी में कि ही केंद्र जी आहे ही राज्यातील रोजगार मंदिर बनतील अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। महाराष्ट्रातील युवकांना रोजगार देणारी आणि स्वयंपूर्ण करणारी अशा प्रकारची ही कौशल्य विकास योजना किंवा केंद्र नक्की ठरतील। यामुळे राज्याचा बेरोजगारांचा टक्का कमी होईल, कामधंद्यासाठी गावाकडून शहराकडे येणाऱ्या लोकांचा लोंढा कमी होईल। आणि यही उद्देश हमारा आहे, ग्राम विकास का सबसे बड़ा उद्देश यह है कि युवाओं को उन्हीं के गाँव में रोजगार मिले। और यह प्रयास हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये शुरुआत है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में देश का हमारे नाम रोशन हो रहा है, G20 जैसी अध्यक्षता हमें मिल रही है। और ये पूरी दुनिया के अंदर आज जहां भी जाए वहां पर मोदी जी का नाम और भारत का नाम सब लोग
अभिमान से ले रहे, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अटूट मेहनत परिश्रम है। इतना ही मैं कहूंगा, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार पर, हमारे सभी जनता के ऊपर कायम बनाए रहे रखे, इसी उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।